हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली और आज का हमारा ये वीडियो है सीटेट हिंदी पेपर सेकंड क्लास 6 to 8। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं मेरे कुछ और भी कोर्सेज जो कि मैंने अनअकैडमी पे बनाए हुए हैं, जो कि पूरा टोटली फ्री है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक लिंक मिल जाएगी और उसके थ्रू आप हर एक चैप्टर हर एक लेसन वहाँ पे देख सकते हैं। फिजिक्स का आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे वहाँ पे और हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो जरूर से देखिए, लोगों को बताइए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हर संडे मैं आपका टेस्ट लेता हूं, तो टेस्ट के पेपर के लिए जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उसको डाउनलोड करने के लिए आप कंटिन्यू कम्युनिटी पोस्ट के साथ बने रहा कीजिए, क्योंकि मैं पर डे पोस्ट करके बताता हूं कि इस संडे को आपका कौन सा टेस्ट होना है। साथ ही साथ आप मुझसे और भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा उस टेस्ट पेपर का। और आप स्पेशली मेरे साथ जुड़ जाइए फेसबुक और टेलीग्राम के साथ, ताकि मैं आपको पीडीएफ हर संडे आपके एग्जाम की प्रोवाइड करा सकूं। यहाँ पे 91 से 99 तक के क्वेश्चंस इस गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो चलिए पहले ये गद्यांश पढ़ लेते हैं। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झनकार वाले, या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं है। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटे से अंगूठी जैसे मिजर बाजे। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी, लेकिन सत्य यह नहीं है। आज प्रचलित वाद्य यंत्रों में से अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र भी है। वेदों में उल्लिखित वाद्य यंत्रों में प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वही सुदूर पूर्व इंडोनेशिया से प्राचीन भारत वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। अब चलिए फ्रेंड्स प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए, उनमें से कुछ भारत के, कुछ बाहर के, वे चीन और इंडोनेशिया के, या वे भारत में ही जन्मे हैं? तो फ्रेंड्स, इनमें इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तबला, झांझ, वीड़ा या बांसुरी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, वीड़ा। कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। या भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। यह कथन असत्य है। तो अब नेक्स्ट पर आते हैं। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है साहित्यिक ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार या प्राचीन यंत्र? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, वाद्य यंत्र। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, विशेषण। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? भारतीय, शीघ्रता, विशाल या प्रचलित? तो फ्रेंड्स, प्रचलित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों में प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, सुमेरी संस्कृति में, पुराणों में या भारतीय सभ्यता में? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, हड़प्पा सभ्यता में। जन्म शब्द का समानार्थी है उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान या प्रयुक्त? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, उत्पत्ति। भूखंड शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4,
तत्पुरुष। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोसी की भाषा में क्या होना चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, समरूपता। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए ताकि बच्चे उसे कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट पर आएंगे, भाषा के पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी रूप में है। आप एकांकी में आए पत्रों की संवाद याद करवाएंगे, शिक्षार्थियों में एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, या लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, या दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंध है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति या शिक्षक का रवैया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। नेक्स्ट पर आएंगे, पद गद और नाटक हमारी संवेदना को आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के दश पहलुओं को समृद्ध करते हैं, भाषिक सौंदर्यात्मक, भाषिक ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक साहित्यिक या सांस्कृतिक भौतिक? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, सांस्कृतिक और साहित्यिक। पद्य गद और नाटक हमारे सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। अब नेक्स्ट पर आएंगे, कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, तीन, सभी, सीमित या एक? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, कोई एक भाषा सभी लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। अब नेक्स्ट पर आएंगे, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं, चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कलाबद्ध या सचेत कलाबद्ध? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, सचेतन कलाबद्ध। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि एक लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कलाबद्ध होती है। नेक्स्ट पर आते हैं, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए या बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अब नेक्स्ट पर आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से या हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। नेक्स्ट पर आते हैं, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है, सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक संप्रेषण या कला? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री, संप्रेषण। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका सम्मुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा या व्याकरण की जानकारी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, भाषा प्रयोग की क्षमता। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है,
यह विचार किसका है, पियाजे, चाम्स्की, स्किनर या वाइगोत्स्की? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट पर आते हैं, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, रमेश सातवीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः किससे ग्रसित है? डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसफेजिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, डिसलेक्सिया। तो रमेश डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अब आगे है ये काव्यांश जिसमें से 115 से 120 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए ये काव्यांश पढ़ लेते हैं। न अवरोध कोई न बाधा कहीं है, न संदेह कोई न व्यधान कोई, बहुत दूर है दिशाएं बुलाती नहीं पर डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिगंत खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजनी हवा में उड़ जाता हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो फ्रेंड्स अब इस काव्यांश के आधारित क्वेश्चन देखते हैं। कवि को कोई कह रहा है कि बाधाओं से दूर रहना चाहिए, या धरती और आसमान उसके लिए है, या लक्ष्य अभी बहुत दूर है, या अजानी हवा में उड़ो? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, धरती और आसमान उसके लिए है। नेक्स्ट पर आएंगे, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वो वाक्य कौन सा है? धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, ना अवरोध कोई ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई ना व्यधान कोई, अजानी हवा में उड़ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू, ना अवरोध कोई ना बाधा कोई है, इसमें दो समानार्थी शब्द एक साथ आए हैं, अवरोध और बाधा। नेक्स्ट पर आएंगे, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, दिशाएं, हवा, गगन या दिगंत? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, दिशाएं, कवि को दिशाएं निमंत्रण दे रहा है। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छाटी है, धरा, पथ, डगर या राह? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, धरा। धरा इसमें अलग है, बाकी पथ, डगर और राह रास्ते को ही कहते हैं। नेक्स्ट पर आएंगे, कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, आकाश, धरती, दिशाएं या हवा? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, आकाश। तो कवि का विजय गीत आकाश गा रहा है। नेक्स्ट पर आएंगे, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, अव्यय या क्रिया? तो फ्रेंड्स कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है, यानी कि इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिंदी में और भी कई वीडियोस देखने हैं आप, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।